हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के बाद धरने पर बैठे परिवार ने अपना धरना खत्म कर दिया है। प्रशासन से बातचीत के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। परिवार की कुछ मांगे मान ली गई है। परिवार को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए, घर और एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और इन मांगों के माने जाने के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गहलोत सरकार ने राजस्थान के करौली में पुजारी को जलाकर मार दिया गया था। उनके परिवार की मांगों को मान लिया है। परिवार को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलेगा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। करौली में पुजारी के परिवार ने अब धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें, पुजारी को पेट्रोल छिड़क कर जमीन कब्जा कर लिया गया था। पुजारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था कुछ दबंगों ने, और जब पुजारी ने टोकाटाकी की तो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी, जला दिया गया था। डिसीजन ये हुआ कि अगर लाश को अपन ज्यादा दिन रोकेंगे तो ये बात चलेगी, लाश पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसका दाह संस्कार किया जाए। उनके पीड़ित परिवार के बच्चे को एक संविदा आधार पर नौकरी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए का मकान बनाया जाएगा और 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। दो एक क्राइम ब्रांच आएगी, थानेदार को हटा दिया गया है और जांच करने के बाद उसको अगर दोषी पाए तो सस्पेंड कर देंगे। पटवारी को हटा दिया गया है। ये मांग पूरी करना।